को गुरु नहीं कहलाना चाहती है, आध्यात्मिक गुरु आप अपने आप को नहीं कहलाना चाहती? मैं गुरु बनती नहीं हूँ, क्योंकि जो परम गुरु शिष्य परंपरा है, मैं शिष्य नहीं बनती। जबकि आपके गुरु हैं। हाँ जी, नहीं मैं इस परंपरा, मतलब मैं, मुझे नहीं लगता मैं किसी के गुरु बनने लायक हूँ। मैंने इतना अध्ययन किया है, मैंने इतनी तप, मैंने इतना तप किया हो कि मैं किसी को अपना शिष्य बनाऊं, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूँ। और मैं एक चीज को जरूर मानती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे श्रीमद् भागवत की दीक्षा ली है, मैंने पहली कथा करी, जिनको मैंने सुना वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, वो थे नहीं उस वक्त, तो मैंने उनकी आवाज सुनी है, कथाएं सुनी है। बाकी आपको आज का समय ऐसा, आपको समझना पड़ता है इसको बनाए उसको नहीं, आपको इतना समय नहीं लगेगा कृष्ण को अगर आप गुरु बनाते हैं। बाकी आपके आध्यात्मिक अध्यापक अध्यापिकाएं हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, पर गुरु के श्रेणी में आप मुझे खड़ा करें तो मैं तो नहीं, और ना ही मैं आगे बनना भी चाहूंगी कभी। इससे पहले कुछ एक आध और आपसे सवाल करूं, कुछ अगर आप सुना दें। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। क्या बात है, ऐसा लगता है बिल्कुल दिल से आवाज निकल रही है। और कहीं ना कभी कहीं आप जब ईश्वर के प्रति, उस आराध्य के प्रति आप जब तक दिल से महसूस नहीं करते हैं, तो शायद ये आवाज नहीं लग आती है। आप खुद भी ऐसा महसूस करती हैं? ये तो आवाज की नहीं, बात की भी बात है। अगर आप कोई बात सच्चे मन से नहीं बोल रहे हैं, तो शायद आप कन्विंस भी नहीं होंगे उस बात के लिए। तो अगर मेरे अंदर सच्चाई होगी, तभी वो कन्विंसिंग पावर मेरे अंदर आएगा। सच्चाई नहीं होगी तो बात एक मिनट के लिए मुझे अच्छी लग सकती है, बाकी मेरे सर के ऊपर से जाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य का स्वभाव है, उसको बात तभी अच्छी लगेगी जब सामने वाला दिल से बोल रहा है। तो संगीत की भी आपने अलग से शिक्षा ली है? जी, मैंने 3 साल संगीत सीखा है, पर मैंने बचपन में सीखा है, तो इसलिए मैं अपने आप को गायक या सिंगर ये सब मैं नहीं बोलती, क्योंकि जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करते उस काम में, तो आपको अपने आप को नाम नहीं देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की उस चीज में। मैंने शिक्षा बचपन में ली थी, बट अब बहुत समय हो गया है उस पर काम किए, तो जो रियाज मुझे करना चाहिए वो सब मैं नहीं करती, तो मुझे लगता है वो नाम भी मुझ पर शोभा नहीं। मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, एक चीज मैंने नोटिस किया है, आज की जो दुनिया है ना, उसमें हर किसी चीज के लिए, छोटा सा भी कोई काम करता है तो उसकी क्रेडिट वो लेना चाहता है। लेकिन जो भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, हर किसी चीज में आप कह रही हैं कि मैं गुरु नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, क्योंकि मैंने शिक्षा नहीं ली है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जबकि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये अपने आप को इस लेवल पर एलिवेट करना, ये कैसे हो पाया? एकाएक तो नहीं हुआ होगा? ये अध्यात्म से हुआ, और शुरुआती दौर से जब आप बहुत नीचे से उठकर आते हैं, आपने बहुत मेहनत की होती है, तो आपको मेहनत का उसकी वैल्यू पता होती है। जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कथावाचक, मैं नहीं कहूंगी कि मैं अच्छी कथा नहीं करती, मैं अच्छी कथा करती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। और मैंने ये भी सुना है कि मैंने तो कई वीडियोस आपके देखे हैं, जिसमें आप कथा सुनाते सुनाते कई सारी ऐसी स्टोरीज सुनाती हैं जो आप खुद कहती हैं कि देखिए ये मनगढ़ंत है। लेकिन सच्चाई सामने होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं पता, आप मान लीजिए अभी भी इंटरव्यू में हो सकता है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछिए, अगर मुझे आंसर नहीं पता है, मैं बात को नहीं घुमाऊंगी। मैं आपको कह दूंगी मुझे नहीं पता, मैं सीख रही हूँ अभी, मैं कोशिश करूंगी मैं इसका आंसर अब पता कर सकूं, पर अगर नहीं पता तो मुझे नहीं पता। और अगर मैंने किस पर काम किया है तो मैं कहूंगी मैंने कथा में बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत साल दिए हैं, मैंने अपना बचपन दिया है, तो मुझे पता है मैंने कितना काम किया है। और आपको पता होता है, आप बाहरी दिखावा भले ही कर ले कि मैंने ये किया वो, कि अंदर से आपको पता आपने कितना काम किया है, तो उस चीज को सामने क्यों नहीं रखना। और यही यूथ सीखेगा। बिल्कुल, आज जरूरी नहीं है हर चीज के लिए बोलना कि मुझे आता है, और कुछ नहीं आता तो एक हीन भावना में चल, कोई बात नहीं, इंसान है हम, मशीन नहीं है जो हर काम परफेक्टली करेंगे, मशीन भी नहीं करती, वो भी खराब होती है। आप तो इंसान हो, 10 गलतियां करेंगे, 1000 गलतियां करेंगे, बस ये होना चाहिए उस गलतियों से सीख लेंगे, और ये बात सामने रखेंगे, इतना आता है और इतना काम अभी कर रहे हैं,
ज्यादा नहीं है, सीख रहे हैं। तो उससे आज का जो यूथ है वो जो एक जमाना आ गया है हर चीज जानने का और एक पर्दा बना के रखना कि मैं परफेक्ट हूँ, कुछ गलतियां नहीं है, वो शायद मुझे देखकर उनको लगे कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है ट्रोल करने वाले ज्यादा हो, क्योंकि आप ज्यादा लोगों के सामने रहते हैं, दूसरों के लिए कम हो, तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा जब इनको दिक्कत नहीं हो रही है तो हमें क्यों होनी चाहिए। तो ये भी एक इंटेंशन है मेरा, आई थिंक हर चीज घुमा फिरा के यही आ जाता है। तो गुड न्यूज टुडे के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, और गुड न्यूज टुडे ये जो हमारा चैनल है, इसका मिजाज, इसका फ्लेवर ही ये है कि हम जितनी भी सकारात्मक खबरें होती है पूरे समाज में, हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम सामने रखें, उसको हम प्रेजेंट करें, ताकि हमेशा पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे। इसलिए हमारे चेहरे पर, हमारे जितने भी एंकर्स आप मिलेंगे, सबके चेहरे पर मुस्कान ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक वाइब है इस चैनल का, मिजाज है इस चैनल का। तो जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी आज के सिनेरियो को देखते हुए, जबकि भाग दौड़ की जिंदगी में हर कुछ हासिल कर लेना चाह रहा है इंसान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में? नहीं, हासिल करिए, मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कई बार लोग, क्योंकि आपको ठीक से सुनते नहीं है तो आपके थॉट्स क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, आई एम नॉट अगेंस्ट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मैं आपको वैराग्य लेने नहीं बोल रही, मैं आपको जंगल जाने नहीं बोल रही, मैं आपको कुटिया में रहने नहीं बोल रही, मैं आपको काम करने बोल रही हूँ। प्लीज मेहनत करिए, काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, धन कमाइए, फैमिली को अच्छी जिंदगी दीजिए, पर अध्यात्म को साथ में रखकर। क्योंकि फिर जो आपने कहा कि ये जो एलिवेशन हुआ है, ये सिर्फ अध्यात्म की वजह से हुआ है। नो मैटर मेरे पास कितना भी सक्सेस आ जाए, फेम आ जाए, मनी आ जाए, ये नहीं हिलेगा। क्योंकि जब आपको सच पता होता है ना, मैं छोटे से एग्जांपल से इस बात को एंड करूंगी, और ये मैंने एग्जांपल में बहुत बार दिया है कि जब एक इंसान मूवी में एक्ट करता है या एक इंसान मूवी देखने भी जा रहा है, दोनों के लिए ही लागू होता है कि आप मूवी जाते हैं और अगर कोई अपसेट करने वाला सीन है तो आप अपसेट होते हैं, अगर कोई हंसने वाला है तो आप हंसते हैं, और जो एक्ट कर रहा है वो भी ये इमोशंस को फील कर रहा है, पर क्या वो लाइफ टाइम इन इमोशंस को फील कर रहा है? नहीं। रोल खत्म करने के बाद वो अपने घर में नॉर्मली ही जाएगा, और आप पिक्चर देखने के बाद भी घर में नॉर्मली जाएंगे, रोते रोते नहीं जाएंगे पूरा टाइम, क्योंकि आपको पता है कि जो देखा फील किया पर सच नहीं है। इसका मतलब नहीं आप फील ना करो। तो दुनिया भी यही है, ये एंजॉय करिए, अपने रोल्स अच्छे से निभाइए। आपको एक रोल मिला है, मुझे एक रोल मिला है, हम अपने अपने रोल्स अच्छे से निभा रहे हैं, जानते हुए सच नहीं है, जाना ऊपर अपने घर वापस है। तो इनको सच मान के आप बिखर जाना, टूट जाना, बहुत खुश हो जाना, बहुत ज्यादा घमंड में आ जाना है, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच नहीं है ना, चला जाएगा भी। तो ये जानते हुए रोल अच्छे से निभाओ, और अगर रोल अच्छे से निभाओगे तो जाने के बाद पिक्चर हिट होगी आपकी। क्या बात है, यानी कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि अटैच होते हुए भी डिटैच रहना, कमल वो करना है। कमल बनिए, कमल पे पानी दिखेगा, आ भी जाएगा फिर भी दिखेगा, ये नहीं कि हटाना पड़ेगा या हट जाएगा, पानी रहेगा पर वो दिखेगा कि पानी ऊपर से है, कमल ने उसको ग्रास्प नहीं किया है। ये करिए। एक आखिरी सवाल आपसे, कई लोगों ने किया होगा लेकिन फिर भी मैं करूंगी, हालांकि आप अपने पर्सनल लाइफ को उतना सबके सामने पब्लिकली नहीं रखना चाहती है, शादी को लेके बहुत सवाल हो रहे हैं आपके। क्यों आप मुझे करेंगे शादी? क्यों आपको मैं खुश अच्छी नहीं लग रही? आप तो देखिए, मुझे सच्ची नहीं पता कब करेंगे, अभी कोई प्लानिंग नहीं। अगर आप कोई जो भी देख रहे हैं और आपको लगता है मैं सच बोलती हूँ, आई स्वेयर कोई प्लानिंग अभी हो नहीं रही है। अभी बहुत काम चल रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पूरा फोकस उन पे है। ऐसा कोई आइडल है आपके दिमाग में कि अगर ऐसा कोई लड़का मिले तो मैं शायद शादी करूँ, मेरा मेल वर्जन मिल जाए तो मैं कर लूं? तो मेरे जैसा, क्योंकि मुझे, मैं काफी समय तक मैंने ये काम किया है और बहुत ही कंफर्टेबल हो चुकी हूँ मैं अपने लाइफस्टाइल में। यानी कि मैं तो यहाँ से एक देख लूंगी इनका कि कोई कृष्ण भक्त जो हो, जो वाकई राधा और कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में मगन हो, अगर वैसा शायद कोई मिल जाए। सब कुछ हो, देखिए सिर्फ भक्ति।